अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं हम लोग पापलेट फ्राई। तो जो है मेरी पापलेट है 7, तो मैं 5 पापलेट फ्राई बनाऊंगी और 2 रख दूंगी क्योंकि इसकी मैं ग्रेवी तैयार करूंगी मस्त सालन। तो ये जो 5 है इसका मैं मसाला तैयार करती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया है नमक। नमक बहुत थोड़ा लेना है क्योंकि ये जो नमक है पहले तो कम लगता है जब चखो, तो उसके बाद में वो ज़्यादा लगने लगता है। थोड़ा सा इसे ले लेंगे हम। उसके बाद में ले लेंगे हल्दी और उसके बाद में ले लेंगे ये मसाला। ले लूँगी मैं ये मसाला है, मैंने इसको केलवा से लिया था। ये गरम मसाला है, ये मच्छी मटन में जब जाता है तो बहुत टेस्ट दुगना कर देता है। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन, आधा चम्मच जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर। और अब इसमें जाएगा लाल मिर्ची पाउडर। थोड़े डालेंगे क्योंकि ये भी जो तीखा होता है, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। तो अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी तेल, समझ जाइए मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के तेल। अब इसे अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा है तो थोड़ा ये डगमगा रहा है। तो चलिए मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें एक एक पापलेट हम डालते जाएंगे और जो इस पापलेट के अंदर ऐसे इस तरीके से इस मसाले को लगाते जाएंगे। इसे एक साइड में रख देंगे, फिर दूसरा ले लेंगे। और इसमें भी डालते जाएंगे इसको। ये इसमें ऐसे ऐसा हाथ करके डालते जाएंगे। हाँ, इसमें मैं एक चीज डालने को भूल गई, नींबू। अगर आप ऊपर से डालना भूल जाओ नींबू, तो बाद में अगर आप ऐसा लगे ना कि मैं मसाला बना दी हूँ लगा दी हूँ, तो जब आप फ्राई कर लो खाने बैठो तब उसके ऊपर नींबू आप निचोड़ के डाल सकते हो, खा सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं भूल चुकी हूँ नींबू डालने के लिए, तो कोई बात नहीं, मैं इस पर ऊपर डाल के इसको हम लोग खा लेंगे। ये देखिए मसाला जो है मैंने एकदम अच्छे अच्छे से सब जगह भर दिया है। अब इसको देखिए, ये सब मसालों को अच्छे अच्छे से लगा के इसको हम कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर जो है ना, इसके ऊपर जो हरा जो धनिया होता है उसे अच्छे से बारीक कटिंग करके डाल दिया है। अब इसे मिक्स करके मैं एक फ्राइंग पैन चढ़ाऊँगी और फिर उसमें हल्का सा तेल डालूँगी और इसको फ्राई करने के लिए एक एक करके पापड़ डाल दूँगी मैं। अच्छा, ये जो हरा धनिया जो होता है ना, उसको लगा के अगर फ्राई करेंगे ना, एक अलग से खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए मैं ना इसे लगा के ही करती हूँ। तो बहुत अच्छा था। अभी मैंने यहाँ पे ना, मेरे पास 5 पापलेट थी ना, तो मैंने एक कहाँ रखूँ करके, तो मैंने इसे अच्छे से जगह बना के रख दिया। वैसे भी इसका जब पानी श्रिंक होगा तो ये अपने आप थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, जगह दे देगी एक दूसरे को। और जो थोड़ा बहुत जो मसाला बचा था ना, तो उसे भी मैंने इस पापलेट के अंदर लगा दिया है। तो ये देखिए पापलेट बन के हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही डिलीशियस और यमी बनी थी। अभी इसे नींबू निचोड़ के ऊपर से, क्योंकि मैंने नींबू भूल चुकी थी, तो नींबू निचोड़ के इसे खाइए मज़े से। और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी माशाल्लाह से। तो कैसी लगी मेरी ये छोटी सी वीडियो? आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।